हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो पहुंच गए हैं, वहीं पहुंचे हैं जहां से चार पांच चक्कर लगा दिए। तो थोड़ी सी वहां पे लगाइए, देखो वहां पे उनके ऊपर लगाइए थोड़ी सी, पांच पांच अड्डे और लगा दिए। वो 16 की थी, अब 21 की हो गई। बाकी थोड़ी बहुत यहां ऊपर लगाएंगे इनके, और बाकी नीचे लगाएंगे क्योंकि जगह नहीं है ना, इसीलिए ऊपर लगा रहे हैं। रोज़ गिनती करते हैं, अगर अगला गिनती करना चाहेगा तो कर सकता है, मैं करवा दूँ, इसी हिसाब से लगा रखे। तो चलिए शुरू करते हैं। आधी हो गई है खाली, आधी बची है, आधे घंटे का काम रह गया, जल्दी हो जाएगी खाली। तो लग रहे हैं मेरी, मैं यहाँ से इसको लगा लगा के दे रहा हूँ, वो वहाँ तक पूरी कर रही है। यहाँ चाबा बंदा हुआ ना, इसीलिए लगता हूँ आ गया। वो योगी भी 24 की इंची वहाँ लगाइए, पांच पांच लाइन, 16 की थी अब 21 की होगी। अभी कर रहा हूँ गिनती, लड़का गया लस्सी लेने, अभी लस्सी पियेंगे, खाली करके आ गए हैं। अभी चलते हैं पैसे लेने के लिए, पैसे लेके फिर चलेंगे। 8 बज गए, पहुंच गए, अभी खाएंगे खाना फिर चलेंगे भट्ठे की तरफ। गर्मी बहुत हो रही है, ट्रॉले लगा दिए भरने, अभी भेज रहा हूँ, अभी जाएंगे भरने के लिए। अरे ये गुल्ला तोड़ेगा रे, नाम उरी रहा है। बस है, पहुंच गए कमरे पर, अभी नहाएंगे, पहले नहाएंगे फिर देखेंगे क्या करेंगे। राजस्थान वाले आज फिर आ गए बेचारे, यहाँ पे चराते रहते हैं, दूध बेचते रहते हैं बेचारे। ये बहुत बढ़िया काम है ये, पर रोड ब्लॉक कर देते हैं लोगों को थोड़ी सी परेशानी होती है, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लोगों को अच्छा दूध मिलता है सही रेट में, तो बहुत बढ़िया। जब चलती है गाय तो वर्क करती है, मतलब कि फिटनेस होती है, तो उसमें ना हरा चारा खाती है चरती हुए,
और चलते हुए वो साथ के साथ पछता रहता है। बहुत बढ़िया दूध मिलता है इस गाय से, देसी गाय होती है ही नहीं की ये राजस्थान से, और सींग बहुत बड़े बड़े होते हैं, पता नहीं क्या लगाते हैं कुछ ऐसा कुछ, बचपन से ही गाय को लगाने लग जाते हैं तो सींग बहुत बड़े हो जाते हैं, पता नहीं इनका कोई प्रॉफिट होगा इनको, गाय को भी हो सकता है इनको भी हो सकता है, सींग का भी कुछ अलग ही हिसाब होता है। तो नहा लिया हूँ अच्छे से, बढ़िया पानी आया हुआ है, तो अभी तो बचा हुआ है पानी, ऐसे तो दो टैंक गिरवाए थे, मतलब कि 1500-2000 लीटर पानी टैंक में डाल रखा है, पूरा बड़ा टैंक है ना, और फिर मोटर के साथ ऊपर चढ़ाते हैं लेटरिन बाथरूम में, पर जो टंकी रखी हुई है तो वहाँ से आता है फुहारे में पानी, तो दिन छिपने वाला है, अभी तो धूप निकली हुई है, बारिश रात भी आई थी, रात ट्रॉली पे सोया हुआ था, मच्छरदानी लगा के ट्रॉली पे सोता हूँ या फिर यहाँ सोता हूँ, यहाँ भी सो जाता हूँ मच्छरदानी लगा के, गद्दा डाला हुआ है नीचे छिल्ली है, यहाँ सो जाता हूँ ठंड में, कई बार एकदम से बारिश आ जाए तो अंदर चला जाता हूँ, यहाँ ये कमरा है तो बढ़िया से मज़ा आता है। तो रात तो बारिश आ गई थी 12:04 पर, बस 5 मिनट ही हुई, इतनी बारिश नहीं हुई, अगर बारिश हो जाती तो बस ईंटें जो कच्ची बनी हुई है बस नाश हो जाता है बात का। मुझे तो चिंता हो गई थी कि भाई अब की बार फिर बारिश होगी और इतनी मेहनत से ईंटें बनवा रहे हैं भट्ठे वाले तो मतलब नुकसान हो जाता, तो अब खिवाल खड़ी हो गई है ईंटों की, तो कल भराई लग सकती है क्योंकि ना सूख गई है ईंटें, दो दिन में धूप लग जाए तो सूख जाती है 3 दिन में, तो कल को भराई शुरू हो जाएगी भट्ठे के अंदर। तो कल को भर देंगे, और अगर भट्ठा भर जाए ना तो दीवार गिरने का डर नहीं रहेगा, तो इसीलिए बस ज़्यादा दिक्कत तो इसी बात की है, थोड़ा थोड़ा एक एक चैम्बर निकाल रहे हैं, यानी कि 10,000-20,000 ऐसे ईंटें निकाल रहे हैं अंदर से, क्योंकि उनकी निकालने भी मजबूरी है, थोड़ा बहुत गैप तो रह जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें से तो दीवार का इतना खतरा भी नहीं होता, दीवार बहुत मोटी होती है, उसके अंदर मड़ब्बा होता है और पास में दीवार होती है जैसे ये दीवार है ना, लेकिन होती है कच्ची गारा से, मतलब कि गारा से चिनाई होती है, ये तो सीमेंट से है तो वो गारा से होती है, तो मतलब कि बहुत मतलब कि कम से कम ये 9 इंची है, 9 और 9 18 कम से कम, काफ़ी मतलब कि चौड़ी होती है दीवार नीचे से भी और परली तरफ से भी, बीच में थोड़ा गैप होता है उसमें मड़बा डालते हैं, तो ये इतनी मोटी होती है दीवार, कम से कम 8-9 फीट की दीवार होती है पूरी चौड़ी, मतलब उसके अंदर मलबा भी आ गया और दीवार भी आ गई 8 या 9 फुट की, 10 की भी हो सकती है नीचे से, ऊपर से थोड़ी रह जाती है मतलब कि 6 या 5 फुट की ऐसे रह जाती है, तो और जो आग होती है ना मतलब कि आग चलती है भट्ठे में, जो ईंट कच्ची जिनको फूकते हुए चलते हैं, जलाते हुए ईंटों को पकाते हुए चलते हैं ना, तो उसमें ना गैस नहीं मरती, अगर जैसे इन पक्की ईंटों के सीमेंट से अगर चिनाई कर दें तो मतलब कि उसमें दिक्कत होती है, उसमें गार मिट्टी होती है, मतलब कि पैसा भी उसमें सीमेंट में बहुत लग जाएगा, तो इसलिए मतलब कि सीमेंट गार की होती है सब कुछ कच्ची, वो पक भी जाती है और उसके अंदर मिट्टी होती है, उसमें उसके अंदर से गैस नहीं निकलेगी, अगर उसके अंदर से गैस निकलनी शुरू हो गई तो वहाँ पीली ईंट बनेगी कच्ची, वहाँ इतनी ईंट की पकाई नहीं होगी, क्योंकि ना आग इतनी खतरनाक होती है उसके अंदर, जैसे ईंट एक बार पूरा लोहा जैसे गर्म हो जाता है ना आग लगने के बाद में, जैसे पूरी ईंट जलती है, एक बार मैं दिखाऊंगा आप लोगों को एक बार, तो मतलब कि पूरी लाल हो जाती है ईंट, उसको पूरी अंदर धग धग आग बलते हुए फिर पकती है ईंट, फिर ठंडी हो जाती है ना, फिर ईंट पकती है, और जैसे अगर इतनी मोटी दीवार नहीं होगी तो उसमें अंदर गैस मरेगी, गैस निकलने से तो ईंटें ख़राब हो जाएगी, और कहीं कहीं आपने देखा होगा जैसे दीवार है, जैसे घट्टी का मुंह है जहाँ से हम ट्रैक्टर निकालते और घुसाते हैं, वहाँ पे दीवार होती है, वो तो कम से कम बस 18 इंच की मान लो वो तो, और बाद में बाहर पॉलिथीन लगा देते हैं ताकि गैस ना मरे, तो गैस उसमें थोड़ी बहुत मर ही जाती है, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत ईंट ऐसे सिरे में नीचे से ऊपर तक पीली ईंटें निकलती हैं, मतलब कि थोड़ी गैस मरती है लेकिन थोड़ी कच्ची रह जाती है, मतलब कि कलर नहीं आता, पक तो ऐसे जाती है, कलर नहीं आता उस ईंटों में, इसीलिए इतनी मोटी दीवार रखते हैं भट्ठे की कि भाई गैस ना मरे,
और अगर पक्का करें भट्टे को तो बहुत पैसे लग जाएंगे, और उसमें क्या पता बनती भी ना हो ईंटे पक्की। अगर सीमेंट की दीवार बनाएंगे तो उसमें क्या पता दिक्कत भी होती हो, इसीलिए गार से और कच्ची ईंटों से, कच्ची गार से चिनाई करते हैं इसी वजह से। तो और मतलब कि 16 लाख और 20 लाख ऐसे भट्टे होते हैं जो ये RBF, ये तो बहुत बड़े भट्टे हैं, इनमें टाइलों की मतलब कि 50-50 लाख टाइल आ जाती है, 60-60 लाख, बहुत बड़े बड़े भट्टे हैं RBF तो। ये तो मतलब है तो भट्टा बहुत बड़ा, ये भी 19-20 लाख ईंटों का भट्टा है, और एक चैम्बर में 20,000 ईंटें होती हैं मतलब कि टोटल। अगर टाइल वो तो एक अलग होती है टाइल, तो अगर टाइल की गिनती करेंगे तो वो तो ज़्यादा होएंगी। ईंट का मुझे पता है 20,000 ईंटें होती हैं एक चैम्बर में, पूरा एक चैम्बर होता है, जैसे कि 5 गोड़ी ऐसे होगी, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, और लंबी होती है 16 या इतनी गोड़ी होती है, ऊंचा होता है 30 का, 32 का, 31 का, 29 का ऐसे अर्धा होता है। जब पहले सादे भट्ठे होते थे ना, ये पंखा नहीं होता था जो घूमने वाला पंखा है, तो ये नहीं होता था ना, ये प्रेशर ऊपर डाल देता है धुएँ को, मतलब कि आसमान में डालता है धुएँ को, तो इसीलिए पंखा लगवा दिया। पंखा से पोल्यूशन नीचे नहीं रहता, ऊपर चला जाता आसमान में, तो मतलब इससे पोल्यूशन कम होता है, और नीचे से ऊपर तक अब्बल ईंट ही निकलती है। बस पैरों में जो एक एक गर्दा होता है वो तड़सा होता है, जो काली वाली ईंट रह जाती है उसमें धुआं लग जाता है, वो नीचे काली रह जाती है, वही ईंट जो 2 नंबर में या फिर दड़े में जाएगी वो अलग ईंट होती है, वो दोबारा भी डल सकती है भट्ठे के अंदर, डालते भी हैं, वो तो थोड़ा ही होता है, मतलब कि एक चैम्बर में ये मान लो 100-200-500 ईंटें होती हैं बस, और जो ऊपर की लाल होती है वो भी 100-200-500 ईंटें होती है, जो पट होता है ऐसे, क्योंकि ना उनको ढकते हैं गैस नहीं निकले, तो उसके अंदर से ही 2 ईंटें निकाल के उसी के अंदर से कोयला वगैरह डालते हैं, उसी के अंदर से आग चलती है, और आग पता नहीं भाई किस हिसाब से चलाते हैं, मतलब कि इसी हिसाब से चलाते हैं। और आग मतलब कि जब एक सरिया होता है, सरिया होता है कम से कम 10-12-15 फीट के आसपास एक सरिया होता है, जो ईंट पकी हुई पता लग जाए ना ऊपर, मतलब कि जो उनका वो होता है फोरमैन, उसको पता लगता है ईंटों का कैसे पक गई, कि भाई अब आग को आगे बढ़ाते हैं, तो पता सरिया होता है, उस सरिये को अंदर डालते हैं भट्ठे के अंदर, तो उससे उस पर निशान लगा होता है, जब ईंट पक जाएगी तो वो उस निशान पे बैठ जाएगी, मिट्टी जो मिट्टी डालते हैं ना ईंट कच्ची के ऊपर, ऊपर से मिट्टी डालेंगे तो वो बैठ जाएगी पकने के बाद में, ईंट पकने के बाद में ना ईंच 5 इंच या 4 इंच ऐसे 6 इंच तक बैठ जाती है, आधा फुट तक कम से कम, तो उस निशान तक जब वो निशान पे आ जाएगी ना, मतलब कि जो रापस होती है ऊपर, जब वो उस निशान पे आ जाएगी तब ईंट पक जाएगी, उसको पता होता है फोरमैन को जहाँ निशान होता है, तो वो फिर आग को आगे सरका देते हैं, तो इसी हिसाब से ईंटें पकती हैं। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ना ही बताएं तो बेहतर है कमेंट करता तो है नहीं कोई। चलिए थैंक यू, वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।